सत श्रीकाल जी, तुम जुड़े हो विजन पंजाब टीवी के नाल। मैं सिमरजीत साणा। कोटकपुरा के कबड्डी वारदात हुई है। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह का गोलियां मार के जिहड़ा कतल कर दिता जाता हमलावरों के वालों। इस जगह के उपर कोटकपुरा के मौजूद है। इतने जी पिछले एक साल तो जोड़े प्रदीप है वह जमानत दे तो जरा वो इतने आए हुए थे। तो अज सुबह 8 बजे का टाइम जरा दसा जा रहा है कि 8 बजे के करीब आ जरा प्रदीप का गोलियां मार के कतल कर दिता जाता। कोटकपुरा बेअदबी कांड के मुलजम से प्रदीप कुमार FIR नंबर 128/63 के मुताबिक जोड़े जोड़े प्रदीप है वह नामजद सके। तो यह उन्होंने डायरी है इस जगह के उपर जी उन्होंने डायरी की हुई है। सुबह 7 तो लैके 8 बजे के करीब आ जोड़े वो डायरी खोलन के लिए जोड़े आए थे। तो उस टाइम से हमलावरों के वालों जरा प्रदीप को गोलियां मार के कतल कर दिता जाता। जोड़े इन्होंने तार ने बेअदबी केस के नाल भी जोड़े है वो जोड़े जा रहे, क्योंकि सरकार जड़िया बेअदबी मामले के इंसाफ देने दे फेल रही ने। तो गैंगस्टर गुलदीप बराड़ के वलों जरा जो कबूलनामा किया गया कि असी जोड़ा है वो जरा कतला जहाँ असी किया कहना उन्हें जी पोस्ट पा के फेसबुक से उन्होंने वालों दसा गया। तो थोड़ा सुरा सीन है वो सीन सू जो पूरा क्रिएट करके दिखावे। कैमरा मैन बेनती एक बार दिखा दिता जाए कि इधरली जगह तो इस इधरों जरा हमलावर आते हैं। पूरा सीन आ जरा थोड़ा क्रिएट करके दिखावे किस तरह जो हमलावर छे हमलावर दसा गया कि छे हमलावर जोड़े आ वो इतने आते हैं। प्रदीप कुमार का गोलियां मार के कतल कर दिता जाता। तो सूँ पूरा सीन आ जरा वो क्रिएट करके दिखावे जरा किस तरह जरा कतल कर दिता जाता। पंजाब का जरा लॉ एंड ऑर्डर स्थिति लेकर जी पंजाब सरकार है वह भी घेरे के जी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लेकर पंजाब सरकार भी जोड़ा घेरा जा रहा। तो पिछले कुछ दिन पहला सुधीर सूरी का अमृतसर के गोलियां मार के कतल कर दिता जाता। तो जी उस तो बाद दूजी है वही वारदात है कि कोटकपुरे के डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार का अज सुबह 8 बजे के करीब आ जरा गोलियां मार के हमलावर के वालों कतल कर दिता जाता। तो FIR नंबर जो 128/63 के मुताबिक जोड़े वो नामजद से बेअदबी केस के नाम जरा आ रहा है नामजद से। तो पिछले एक साल तो जोड़ा प्रदीप है वह जमानत के उपर जरा आए हुए थे। तो वही वारदात जी कोटकपुरे के हुई है लाइव तस्वीर राही तुम देख सकते हो कि यह उही प्रदीप कुमार की डेयरी है जिथे रोज़मर्रा की जिंदगी के डेयरी खोलते सके काम करते सके। तो अज बीते सुबह जी प्रदीप की गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। तस्वीरों के मुताबिक 7 तो 8 बजे के करीब जी इस जगह के उपर हमलावर आते हैं। तो पूरा सीन आ जरा थोनू क्रिएट करके दिखावे कि इस जगह के उपर जे हमलावर आते हैं। दसा गया कि 6 हमलावर से इस जगह के उपर जे हमलावर आते हैं। प्रदीप के उपर जी है वो ताबड़ तोड़ जी फायरिंग शुरू कर दी जाती है। तो प्रदीप डिग पेंदे ने उस तो बाद दम तोड़ जाते हैं। ये प्रदीप कुमार की जी डेयरी है जेएस डेयरी एंड किराना स्टोर इस जगह के उपर प्रदीप कुमार की जी अच्छ सुबह कोटकपुरे के वही वारदात हुई है। गोलियां मार के जरा कतल कर दिता जाता। इस तो पहला सुधीर सूरी का जरा अमृतसर के जरा गोलियां मार के जरा कतल कर दिता गया। लॉ एंड ऑर्डर लेकर जोड़े लोग है वो पंजाब सरकार को लगातार जोड़े वो घेर रहे हैं, क्योंकि हासों होनी घटनावान जड़िया पंजाब के बीते बड़े थोड़े समय के होने। तो पंजाब सरकार को जोड़ा घेरा जा रहा है। तो जरा पुलिस मुलाजम जोड़े पूरी तरह वही तादाद जो प्रशासन है वह इतने आया हुआ है, पर प्रशासन का कहना कि जिन्हें चिकर सूँ पता नहीं लगता असी मीडिया सामने बोल नहीं सकते। तो उन्होंने यह कहना पर पूरा जो पुलिस प्रशासन है वह भी इतने लग्या हुआ किस तरह जोड़े अज वही वारदात है कोटकपुरे के हुई है। इस तो पहला अमृतसर के सुधीर सूरी का जरा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। तो जरा इधरों जी इस जगह के कैमरा मैन बेनती दिखा दिता जाए इस जगह तो जो हमलावर आते हैं। तो पूरा सीन आ जरा सूँ क्रिएट करके दिखावे कि किस तरह जो कोटकपुरे के सुबह वही वारदात होंगी है हमलावर के वालों जो गोलियां मार के प्रदीप का जो डेरा प्रेमी सगा पिछले एक साल तो जमानत पर आया होया उन्होंने गोलियां मार के जो अज है वह कतल कर दिता जाता। तो कैमरा मैन बेनती है कि दिखा दिता जाए किस तरह जोड़े हमलावर आते हैं। तो पंजाब के जी दूजी वही वारदात है जी बड़े थोड़े समय के हुई है लॉ एंड ऑर्डर लैके जोड़ा वो पंजाब सरकार को भी वह घेर रहे हैं पंजाब सरकार को घेर रहे। तो अज जी वही वारदात है वह कोटकपुरे के हुई है। तो FIR नंबर 128/63 के जरा मुलजम से बेअदबी केस के मुलजम से प्रदीप कुमार। तो अज जी कोटकपुरे के उन्होंने गोलियां मार के कतल कर दिता गया। तुम इतों ही हो जी कोटकपुरे तो ही हो तुम सुबह इतने से थोड़ा भतीजा हाँ जी बेअदबी केस के भी उन्होंने नाम किन्ने हमलावर से किन्ने हमलावर से इतने से नहीं मैं तो हूँ आया हूँ ही आया थोड़ा भतीजा सो
बड़ी एक घर वालों का कहना है कि बड़ी दुखद घटना है, पर वो जड़े बेहद जी है वो घिनौनी घटना हुई है, पर बेहद भी केस के बच्चे उन्होंने ना है वो जोड़ा जा रहा था। FIR नंबर 128 के 63 के मुताबिक जरा उन्होंने ना वो नामजद है, तो एक साल तो जमानत पर जरा आए हुए थे इतने कोटकपुरा के बच्चे, एक साल तो जरा जमानत पर आए हुए थे तो अपनी इतने वो डेयरी चला रहे थे। तो लाइव तस्वीर राही देख सकते हो कोटकपुरा के बच्चे जी है वो बड़ी वारदात हुई है, तो लाइव तस्वीर के नाल जुड़े रहो बिजनेस पंजाब TV के नाल होर अपडेट के लिए। धन्यवाद।